पहले टेस्ट के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 तैयार। वेस्टइंडीज के खिलाफ एक नहीं दो दो युवाओं का डेब्यू होगा इस बार। अपने ही तीन खिलाड़ियों ने रोहित शर्मा को किया परेशान, अब कैसे जीतेंगे वेस्टइंडीज के घर में टेस्ट का घमासान। जी WTC फाइनल में शर्मनाक हार के बाद अब टीम इंडिया एक नई शुरुआत कर रही है। टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ 12 जुलाई से डोमिनिका में टेस्ट मैच खेलना है। दो टेस्ट मैचों की इस सीरीज को अगर टीम इंडिया जीतती है तो WTC की अगली साइकिल का इससे अच्छा आगाज नहीं हो सकता। आपको बता दें टीम इंडिया का ये टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगले संस्करण का आगाज है, यानी कि यहीं से WTC की अगली साइकिल शुरू हो जाएगी और टीम इंडिया जितने भी मैच खेलेगी उसके पॉइंट्स WTC पॉइंट्स टेबल में जुड़ेंगे। यानी कि अगर टीम इंडिया को इस बार भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचना है तो हर मैच को बड़े अंतर से जीतना पड़ेगा, अगर हारे तो सामने वाली टीम को पॉइंट मिल जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि टीम इंडिया इस मैच को सीरियसली ले और टीम इंडिया के बड़े बड़े खिलाड़ी जो बीते कई समय से फ्लॉप चल रहे हैं वो इस बार वेस्टइंडीज में कुछ बड़े कमाल करें। तो आखिरकार टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पहले टेस्ट मैच में कैसी हो सकती है वो बताएं। उससे पहले आपको बता देते हैं कि दो खिलाड़ी जो IPL में स्टार बने थे, जिन्होंने IPL में अपनी अपनी टीमों के लिए शानदार बल्लेबाजी की थी, वो इस बार वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी कि टीम में दो नए खिलाड़ियों को इस बार मौका जरूर मिलेगा। वहीं तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी ही टीम यानी कि कप्तान रोहित शर्मा को परेशान करके रख दिया है। अगर रोहित शर्मा ने उनका हल नहीं निकाला तो फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ हार का सामना भी करना पड़ सकता है। तो कैसी होगी प्लेइंग 11 वो बताएं। उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिरकार मैच कितने बजे शुरू होगा, आप इसे फ्री में कहां देख सकते हैं। तो आपको बता दें भारतीय समय अनुसार ये मैच शाम को 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा, यानी कि रात 7:30 बजे से लेकर सुबह 3:30 बजे तक ये मैच चलेगा। इसके अलावा अगर आपको ये मैच टीवी पर देखना है तो आप DD स्पोर्ट्स पर इस मैच को फ्री में टेलीकास्ट होते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मोबाइल पर यानी कि ऑनलाइन इस मैच को देखना है तो आप जियो सिनेमा पर इस मैच का फ्री लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं टीम की प्लेइंग 11 पर। तो आपको बता दें इस बार ओपनिंग में चेंज होने वाला है। इस बार रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जगह पर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को आप ओपनिंग करते हुए देख सकते हैं। यशस्वी जायसवाल जिन्होंने बीते दो IPL में शानदार बल्लेबाजी की है और डोमेस्टिक में भी खूब रन बनाए हैं। यशस्वी जायसवाल का डेब्यू करना तय माना जा रहा है और उनकी फेवरेट पोजीशन जिसमें वो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं यानी कि ओपनिंग, वो उसी में उतारे जाएंगे। इसके अलावा शुभमन गिल को चेतेश्वर पुजारा की जिम्मेदारी संभालनी पड़ सकती है। शुभमन गिल को चेतेश्वर पुजारा के नंबर 3 पर खिलाया जा सकता है। इसके बाद मिडल ऑर्डर की जिम्मेदारी विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और ईशान किशन के कंधों पर सौंपी जा सकती है। इसमें विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे तो काफी समय से टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, लेकिन ईशान किशन का डेब्यू करना तय माना जा रहा है क्योंकि बीते 5 टेस्ट मैच से लगातार KL भरत को मौका दिया गया लेकिन उन्होंने सिर्फ 129 रन ही बनाए, वो भी बहुत ही घटिया औसत के साथ। इसीलिए ईशान किशन का डेब्यू करना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी टीम इंडिया के दो सबसे अनुभवी गेंदबाजों के हाथों में होगी, एक रविंद्र जडेजा और दूसरे रविचंद्रन अश्विन। वहीं अगर पेस बैटरी की बात की जाए तो शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी की जगह पर इस बार जयदेव उनादकट को मौका मिल सकता है। शार्दुल, शमी और सिराज ने WTC फाइनल में अच्छी गेंदबाजी की थी लेकिन इस बार शमी को आराम दिया गया है और उनकी जगह पर जयदेव उनादकट को मौका मिल सकता है। तो टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ईशान किशन, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज और जयदेव उनादकट। ऐसे में आप बताइए क्या आप इस प्लेइंग 11 से संतुष्ट हैं? अगर नहीं तो आपकी प्लेइंग 11 क्या है, आपको कौन से प्लेयर प्लेइंग 11 में चाहिए वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वहीं अब आपको बताते हैं कि रोहित शर्मा को अपने ही तीन किन खिलाड़ियों ने परेशान कर रखा है। सबसे पहले खिलाड़ी हैं यशस्वी जायसवाल। यहाँ पर परेशान करने का मतलब ये है कि रोहित शर्मा इस टेंशन में है कि यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग करवाई जाए या फिर नंबर 3 पर उतारा जाए, लेकिन इस टेंशन का हल यही है कि यशस्वी जायसवाल को उनकी फेवरेट पोजीशन यानी कि ओपनिंग ही करवाई जाए। दूसरे खिलाड़ी हैं शुभमन गिल, जिन्होंने रोहित को थोड़ा सा परेशान किया है क्योंकि शुभमन गिल वैसे तो ओपनिंग करते आए थे लेकिन अगर उनको नंबर 3 पर उतारा जाएगा तो रोहित शर्मा को इस बात की टेंशन होगी कि कहीं गिल का फॉर्म वापस ना चला जाए, वो ओपनिंग में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसे में उनके नंबर से छेड़छाड़ करना उनके लिए भारी भी पड़ सकता है।
और तीसरे खिलाड़ी हैं ईशान किशन। ईशान किशन इसलिए क्योंकि ईशान किशन और केएस भरत में किसको खिलाया जाए रोहित शर्मा को ये बहुत बड़ी टेंशन थी, लेकिन आखिरकार खबर आ रही है कि ईशान किशन को ही मौका मिलेगा। ऐसे में अगर ईशान किशन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो सभी एक बार फिर से रोहित शर्मा के ही कान पकड़ेंगे कि आखिरकार उन्होंने उनको मौका क्यों दिया। इसी वजह से यही तीन खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से रोहित शर्मा थोड़े से परेशान हैं। ऐसे में आप बताइए कि रोहित शर्मा को क्या करना चाहिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।